जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को बताने वाले हैं कि SSGD ने खाली पदों के रिक्त की पदों की संख्या जारी कर दी है, किसमें कितनी पोस्ट खाली है, ये सारी डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं। और दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन को लेकर बड़ी बात हुई है, तो ये दोनों चीज़ें आपको हम पूरा कंप्लीट देने वाले हैं। तो इस वीडियोज़ को पूरा अंत तक देखना और इस वैकेंसी 2021 में कितनी कुल पद की वैकेंसीज आने वाली है सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे, आपको पता होगा कि 2 से 3 दिन पहले कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें 40,000 पद जारी की गई थी, ठीक है, कितने पदों से ऊपर की वैकेंसीज खाली है। मैं आपको बता दूं, ये पद 2017 के लिस्ट के अनुसार पेपर में कटिंग दी गई थी। पेपर का काम है, न्यूज़पेपर का काम है दे देना, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता। ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने के पहले कुछ न्यूज जैसे अपने अखबार को भरने के लिए कुछ भी डालते हैं, इसी तरीके से डाल दिया गया था। रेशियो आपको पता होगा कि ये एग्जाम की रेशियो क्या होने वाला है, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, GK GS और लैंग्वेज पेपर, 25-25 का सभी का सेक्शन रहेगा, 4 भाग हैं, 100 क्वेश्चंस। यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे प्रिपरेशन करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि आपका 54 शिफ्टों की टोटल प्रीवियस क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करा दिया गया है आप लोगों के लिए। तो आप 6 मार्क्स लाने के लिए आप प्रीवियस ईयर को करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड बाय करिए, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में दोनों में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वैकेंसीज बहुत ही कम है। मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियोज़ में देने वाला हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियोज़ को पूरा इन्फॉर्मेशन को लेना, तो पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, बहुत सारी डिटेल्स विद प्रूफ के साथ दूंगा। आप देख रहे होंगे पेपर का कटिंग, ये पेपर की कटिंग में सारी डिटेल्स दी गई है कि किसमें कितनी वैकेंसीज खाली है, ठीक है। बच्चे, आपको मैं बताने वाला हूं कि देखेंगे जिन बच्चों को 1 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलेशन, उन लोगों के लिए एक फॉर्म आया हुआ है। आप ये फॉर्म देख सकते हैं, ये फॉर्म उसी में आएगा जब आप ऑनलाइन भरेंगे। उसमें क्या होता है कि जो बच्चा COVID-19 के कारण जिनकी एज खत्म हो चुकी है, जो COVID-19 के कारण एज वो नहीं भर पाएंगे, उन लोगों के लिए स्पेशल ये डाटा दिया गया है। इस डाटा के अंतर्गत आपको ये करना पड़ेगा कि इस COVID-19 के कारण आपकी एज जो कंप्लीट हो चुकी है, इसके सारे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अपने टोटल डिटेल्स के साथ। तो ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको मैं बात करूं मेल और फीमेल में कितनी वैकेंसीज खाली है। SSBSF के बारे में बात करेंगे तो 14,436 वैकेंसीज खाली है और फीमेल में 16,984 पद खाली है, ठीक है। CISF में बात करें तो 180 पद खाली है और फीमेल में 200 पद खाली है। CRPF में बात करें तो 19,972 और फीमेल में 21,566। SSB में अगर बात करें तो 8,931 पद और फीमेल में 10,956 पद खाली है। ITBP में बात करें तो 3,091 और फीमेल में 3,636 पद खाली है। असम राइफल में बात करें तो 3,076 और फीमेल में 4,576 पद खाली है। NIA में 8 पद खाली है, इसमें भी 8 पद खाली है। SSF में 372 और फीमेल में 447 पद खाली है। ये डाटा जो दिया गया है, ये डाटा पूरी वैकेंसी खाली की 73% डाटा दिया गया है। मींस अभी भी पूरा कंप्लीट डाटा नहीं मिला है। अप्रोक्सीमेट अगर हम पूरा बात करेंगे पूरा कंप्लीट, तो फीमेल में 50,066 पद और फीमेल में 58,373 पद खाली है। मींस यदि 73% की अगर रेशियो दिया गया है, अगर फाइनल रेशियो निकाला जाए, तो वाइज में समथिंग अराउंड 60,000 का अप्रोक्सीमेंट आएगा, 60,000 से अबव, और इसमें लगभग आपका 70,000 का अप्रोक्सीमेंट आएगा। मतलब आपको मैं बात करूं तो 1,30,000 पद अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल बुरी तरीके से खाली पड़ी हुई है, ठीक है। खाली मींस अभी जो वैकेंसीज ली गई, अभी जो वैकेंसी 2018 में आई हुई थी, इस वैकेंसी को फुल करने के बाद ये डाटा दिया गया है आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, ये डिटेल्स अगर इसमें अगर नहीं भी हो, तो कम से कम भी आपकी वैकेंसीज 1,08,449 वैकेंसी देखने को मिलेगा। इन केसेस इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 90,000 से ऊपर की वैकेंसीज और 1,00,000 के नीचे की वैकेंसीज आपको देखने को समथिंग अराउंड आपको मिलेगा। एज रिलेशन के बारे में हम बता दिए कि जिन बच्चों को एज के डिटेल्स में प्रॉब्लम होगा, इनकी 100% COVID-19 कारण 1 साल के बच्चों को राहत जरूर दिया जाएगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन देखने को जरूर मिलेगा फॉर्म भरने का। तो वो बच्चे जिनके 2-3 महीना 3-4 महीना के लिए रह जाते थे, वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकेंगे SSGD 2021। और इसका गणना जो मैं बता दूं, 10 अप्रैल 2021 से इसकी एज की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स था जो आपको मैं देने वाला हूं। और इस बार नेगेटिव मार्किंग कतई नहीं होगा, मेरे से 500% लिखा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहने वाला। कितने ऐसे बच्चों का कमेंट बार बार देखी जाती है, सर नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग। बच्चे, हम्बल रिक्वेस्ट है,
क्यों अफवाहों पे पढ़ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला और एसएससी जीडी के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और अब के बारे में बता देता हूं कि अब जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आरपीएफ हो पैरामिलिट्रीज के अंदर, सभी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल्स था जो आपको मैं बता दिया हूं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियोज को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों के पास। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।